أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. viewers السلام عليكم. exercise 2.4 question number 6 simplify part number 1 में उसने कहा है कि x और y not equal to 0. तो इसमें क्या कर रहे हैं आप, सोल्यूशन निकाल लें. ऐसे हो सकता है सोल्यूशन इसी क्वेश्चन को आप कर लें, लिख लें, एक बार लिख लें ना. इसका मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ तो आप देखें इसका सोल्यूशन क्या आता है. इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है इसको हमने सॉल्व करना है. तो ये क्या आएगा, 5/5/10. ये 5 1 5 5 2 10, तो ये 1/2 आ जाएगा. तो 7 एक्स की पावर 10 है तो -10 नीचे जाके माइनस में हो जाएगी. तो y की पावर 12 है तो नीचे जाके -4 हो जाएगी, ऊपर वाली नीचे जाके -4 हो जाएगी. तो इसका रिजल्ट आएगा 1/2xy/8 जो हो जाएगी. तो एक ये हमारे पास आंसर है. एक तो आप इस तरह हल कर सकते हैं इसको कि इसको काट काट दिया 5 और 10 को, बाकी पावर्स को नीचे ले आया हूँ. नीचे मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि हमने ये बताना है कि जो इसका रिजल्ट आए तो पॉजिटिव टर्म्स में आए, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में हमारा जवाब है. यानी कि पावर्स जो हमारी हैं है ना वो नेगेटिव ना हो बल्कि उनका रिजल्ट जो है पॉजिटिव हो. तो इसलिए ये देखें अगर पॉजिटिव में हमारा रिजल्ट आए, अगर आप 11 को ऊपर ले जाएँ तो आपका नेगेटिव रिजल्ट आएगा. 10 -11 माइनस एक्स की पावर -1 हो जाएगी. इसी तरह वाई की -8 होती तो वही चीज़ आप नीचे ले आए तो आपका रिजल्ट आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 2, इसमें भी उसने कहा है कि ये जो गिवन क्वेश्चन है इसमें आर एस टी इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो इसका सोल्यूशन में हम सबसे पहले पावर्स आर एक की पावर अलग कर लेंगे. ये मैंने पावर्स को अलग कर दिए तो ये आपके पास 32 आ जाएगा. 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 32 आता है. R10S5T5/1000 आ जाएगा क्योंकि 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आता है. 1000 यानी कि 1000 आ जाएगा. तो ये S की पावर 6T की पावर 3 इसको काट दें. ये 8 के टेबल से जाएगा, 8 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 125, ये भी 8 के टेबल से जाएगा. तो R10 की पावर 10 थी ना, तो ये छोटी जो टर्म थी छोटी पावर वाली थी मैं ऊपर ले गया हूँ. T की 5 है तो छोटी -3 थी ये ऊपर ले गया. और आगे 125, तो ये 125 आ गया. तो 7 S की पावर 6, तो ये छोटी टर्म में छोटी पावर वाली हमारे पास T 5 थी तो ये -5 नीचे हो जाएगा, बल्कि 5S 5 थी तो -5 हो जाएगी. तो हमारा रिजल्ट आएगा 4R की पावर 7 T 2 125 S 1. देखें हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है पॉजिटिव एक्सपोनेंट में हमारा रिज़ल्ट आया, यानी कि पावर्स जो हमारी आई हैं वो सब की सब पॉजिटिव हैं. तो अगर आप सॉल्व करके लास्ट पे पावर्स पॉजिटिव करें तब भी ठीक है. तो बहरहाल इस तरह करना चाहें तो तब भी ठीक है. मैंने एक स्टेप करवाया, अगर आप कर सकें तो ठीक, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है. इसी के साथ अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके. थैंक यू सो मच.